नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सिद्धवट वृक्ष के दर्शन के लिए। इस वक्त मैं आ चुका हूँ मंदिर के अंदर, और ये जो सिद्धवट वृक्ष है ये माँ काल मंदिर से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अगर आप उज्जैन आए हुए हैं तो यहाँ पे आप दर्शन के लिए अवश्य आए। इस वट का बहुत ही पौराणिक महत्व है। कहते हैं कि संसार में केवल 4 ही पवित्र वृक्ष हैं, जिसमें से प्रयागराज में अक्षय वट, मथुरा वृंदावन में वंशी वट, गया में गया वट और उज्जैन में सिद्ध वट है। तो आज इस वृक्ष के हम दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और काफ़ी पौराणिक महत्व है, तो अगर आप उज्जैन आए हुए हैं तो यहाँ पे आप अवश्य आएँ। अभी मैं आ चुका हूँ तट पे, और ये जो वृक्ष है वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और कहते हैं कि माता पार्वती ने यहाँ पे तपस्या की थी और उन्होंने ही इस वृक्ष को लगाया था। इस वृक्ष के यहाँ पे और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि संतति, संपत्ति और सदगति जैसी 3 तरह की सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पूजन किया जाता है, और इसके अलावा पितरों के लिए अनुष्ठान भी यहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पितरों के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, और इस वक्त मैं अभी मंदिर में हूँ। इस मंदिर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वृक्ष के बारे में पूरी हिस्ट्री, इसका क्या महत्व है उसके बारे में पूरा वर्णन करके बता रखा है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये पूरी जो डिटेल है वो रीड कर सकते हैं और इसके बारे में आप जान सकते हैं। अगर आप उज्जैन आए हुए हैं तो यहाँ पे आप दर्शन करने अवश्य आएँ। यहाँ पर बहुत सारी पौराणिक मान्यता है, और कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने ही इसी वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर बेताल को अपने वश में करने की सिद्धि प्राप्त की थी। इसके अलावा कहा जाता है कि माता पार्वती के पुत्र कार्तिक स्वामी को यहीं पर सेनापति नियुक्त किया था, और यहाँ उन्होंने तारकासुत का वध किया था। और वर्तमान स्थिति में इस सिद्धवट वृक्ष को कर्मकांड, मोक्ष कर्म, पिंडदान के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर जरूर आए। इस मंदिर के पास में यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, तो उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं मंदिर के दर्शन करके बाद थोड़ा बाहर आ चुका हूँ। ये ग्राउंड बना हुआ है पूरा, और यहाँ पे आएंगे तो पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इजीली आप पार्क कर सकते हैं अपनी व्हीकल को। और अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, और पास में ही आप देखेंगे ये दुकानें लगी हुई है जहाँ पर आप मंदिर में नारियल प्रसाद लेके जा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें।